हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसईओ कैसे करना है, एसईओ करने का सही तरीका क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि एसईओ क्या होता है, तो उस वीडियो को देख लेना। आई कार्ड में वीडियो का लिंक आ जाएगा, तो उस वीडियो को देख लेना। तो फ्रेंड्स, एसईओ करने के लिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, एंड दूसरा है वीडियो अपलोड करने का सही ऐप, जो कि यूट्यूब एक सही ऐप नहीं है वीडियो अपलोड करने के लिए। तीसरा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक में अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में जाना है। उसके बाद आपको सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो, वहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड हो रहा है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, ना थंबनेल लिखना है, ना डिस्क्रिप्शन लिखना है, ना टैग्स लिखना है, ना आई कार्ड लगाना है, ना एंड स्क्रीन लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो कि वो वीडियो होगा जो अपलोड हो चुका होगा, उसके बाद नेक्स्ट करके आपको उस वीडियो को डन कर देना है। वो वीडियो अपलोड हो जाने के बाद क्या करना है, आप चाहो तो वहीं पर आप उस वीडियो को एसईओ कर सकते हो, लेकिन आपको एसईओ कब करना है उसका भी एक टाइम होता है। जैसे कि अभी वीडियो अपलोड की हो तो आपको 10 से 15 मिनट रुक जाना, उस वीडियो को प्रोसेस होने देना है। प्रोसेस होने के बाद 10-15 मिनट रुक जाना, उसके बाद आपको एसईओ करना है। और हम बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ पर भी वीडियो को पब्लिश डायरेक्ट अपलोड कर देते, तो आपको डायरेक्ट पब्लिश में नहीं अपलोड करना है वीडियो को, आपको अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट में अपलोड करना है वीडियो को। उसके बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा तो ऐप्स की। एक ऐप तो सबके पास होता है जो कि YouTube स्टूडियो होता है, और दूसरा है टैगू एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, देख लेना, उस वीडियो को आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, इसमें आपको AI तरीके से टैग्स भी निकाल कर देता है, किसी भी वीडियो का ये टैग्स निकाल कर देता है, और इसमें ये भी दिखाता है कि कोई भी टैग्स कितने नंबर पर रैंक कर रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एसईओ करना है, जो कि आपको किसके किसके साथ एसईओ करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टैग्स के साथ एसईओ करना है, डिस्क्रिप्शन के साथ एसईओ करना है, और टाइटल के साथ एसईओ करना है। थंबनेल के साथ एसईओ करने के लिए मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देख लेना, जल्दी आएगा। तो सबसे पहले आपको एसईओ करना है टाइटल के साथ। टाइटल के साथ एसईओ कैसे करना है, जैसे कि आप कोई भी वीडियो बनाए हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो तो जरूर बनाए हो। जैसे आपने वीडियो बनाया है कि पनीर कैसे बनाए, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर पनीर कैसे बनाए, वहाँ पर देखोगे कि आपके बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। आप जैसे सर्च करोगे पनीर कैसे बनाए, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि वहाँ पर आ जाएगा, तो क्या करना है, जो टॉप रैंक कर रहा है, जो टॉप पर है, उसका जो टाइटल है उसको कॉपी करना है। उसके बाद आपने वीडियो का टाइटल में लगा देना है। और हाँ, आपको पूरा टाइटल कॉपी नहीं करना, आप पूरा टाइटल भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरा टाइटल कॉपी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर जैसे सर्च करते हो, तो जैसे आप लिखोगे पनीर कैसे, उसके बाद देखोगे आपको बहुत सारे कीवर्ड नज़र आएंगे, तो क्या करना है, उनमें से जो फर्स्ट पर कीवर्ड आ रहा है उसको लेना, और उसको आपको वीडियो के टाइटल में लगा देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपके वीडियो का टाइटल का एसईओ। क्योंकि आपको एक टाइटल लेना है जो कि टॉप रैंक पर हो वीडियो, उसका टाइटल, और दूसरा टाइटल लेना जो कि आपको सर्च में आ रहा है। उसके बाद आपको करना है डिस्क्रिप्शन के साथ एसईओ। इसमें क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले अपना जो टाइटल है उसको पूरा कॉपी करना है, उसके बाद वही लगाना आपको डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट में आपको यही करना। उसके बाद आपको कुछ बताना अपने वीडियोस के बारे में, अपना नाम या फिर वीडियोस के बारे में, अपने वीडियो में क्या बतायो। उसके बाद आपने सोशल मीडिया का लिंक देना है। उसके बाद आपको लिखना है योर क्वेरी करके, आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर कीवर्ड लगाना है। तो आप यहाँ पर कीवर्ड कैसे लगाना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया था टैग एप्लीकेशन के बारे में, तो यही ऐप का यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। आप YouTube पर सर्च करोगे अपने वीडियो से रिलेटेड टाइटल को, उसके बाद वहाँ पर जो भी वीडियो आएगा टॉप में, उसके बाद क्या करना है कि आपको टॉप 5 वीडियोस उठाना है। उसके बाद सारे वीडियोस का लिंक कॉपी करना है, एक एक करके फर्स्ट वीडियो का लिंक कॉपी करना है। उसके बाद इसमें जाना, और यहाँ पर देखोगे कि आपको मिलेगा URL पेस्ट वाला ऑप्शन, वहाँ पर पेस्ट कर देना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको उस वीडियो में जो भी टैग्स लगे हुए होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो क्या करना है कि टैग्स पर क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा, तो आपको इसमें से ज़्यादा टैग्स को कॉपी नहीं करना, 4 या 5 टैग्स कॉपी करना। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लगाना है, और उसके बाद आपको अपने टैग्स में भी लगाना। आपको टैग्स और डिस्क्रिप्शन का दोनों का साथ में ही एसईओ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो टॉप 5 में आ रहा है उन 5 वीडियो का लिंक कॉपी करना है एक एक करके, और एक एक करके इस एप्लीकेशन में जाना, और 4-4, 5-5 टैग्स उठाना है, और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में लगा देना है। उसके बाद हो जाएगा आपके वीडियो का प्रॉपर एसईओ। और हाँ फ्रेंड्स, एसईओ किन वीडियो के साथ किया जाता है, तो एसईओ वही वीडियो के साथ किया जाता है जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा और एक सर्चेबल कंटेंट होता है। जैसे कि आप कुछ भी डाल रहे वीडियो, तो उन सब वीडियो के साथ एसईओ नहीं किया जा सकता है।
मतलब कि आप SEO तो कर सकते हो, लेकिन वो SEO काम नहीं करता। लेकिन आपको हर वीडियो में SEO करना है इसी तरीके से। आपको जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिल ही जाएगा। तो आप अपने वीडियो के साथ में ऐसे SEO कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए वंदे मातरम।